क्योंकि कॉपर के इतने मल्टीपल यूज़ हैं और फ्यूचर यूज़ इतने ज़्यादा हैं, इसलिए कंपनीज क्या कर रही हैं, कॉपर में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ह्यूज पाइल्स ऑफ कॉपर को अपने पास स्टोर कर रही हैं। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, आज हम लोग एक इकोनॉमिक केस स्टडी का बहुत रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉपर की जो डिमांड है वो क्यों इतना एक्सीड कर रही है, जिसकी वजह से आगे चल करके कॉपर के जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहरहाल, प्राइस के पोर्शन को अभी छोड़ते हैं, लेकिन कॉपर की डिमांड इतना क्यों एक्सीड कर रही है? व्हाट इज इट विद दिस रेड मेटल दैट इट्स डिमांड इज अपसर्जिंग एंड कॉन्टिन्यूअस अपसर्ज इज देयर। सो टुडे वी आर गोइंग टू एग्जामिन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। बहुत मजा आएगा वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे इस टॉपिक को, ठीक है? सो सी गाइस, अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर हमारा रेड मेटल होता है, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे। तो कॉपर किस लिए यूज होता है? देखिए, मैं ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लार्ज स्केल यूजेस क्या हैं कॉपर के, तो कॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है, प्लस कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, डिफेंस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वायर्स, जो आपके वायर्स हैं, कंडक्टिंग मटीरियल और कॉपर, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये कुछ कंजर्वेटिव यूजेस या एप्लीकेशंस हैं कॉपर की या हमारे रेड मेटल की। बट द क्वेश्चन इज कि अब कॉपर की डिमांड क्यों अपसर्ज कर रही है, रिसेंटली ऐसा क्या हो गया, या कुछ टाइम से ऐसा कौन सा स्टेज बिल्डअप हो रहा था कि कॉपर की डिमांड अब स्काई रॉकेट करने लगी। तो इसका कारण है गाइज, जो ट्रांजिशन आ रहा है एनर्जी में, एनर्जी ट्रांजिशन is one of the biggest reason for increased demand of copper. By energy transition, I mean that now entire world is transitioning towards the renewable source of energy. और renewable source of energy में एक बहुत important element है copper, एक बहुत important metal है copper, जिसका use करके solar panels बनाए जाते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें कॉपर का मेगा यूसेज है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वर्ल्ड ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड अब सर्ज कर रही है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को हम लोग जरा एनालाइज करते हैं और फिर आखिरी में इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, ओके। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? द फर्स्ट फैक्टर इज ग्रीन एनर्जी, ओके। द फर्स्ट फैक्टर इज ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, एज आई हैव टोल्ड यू। तो देखिए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, जिनको आप ईवीज कहते हो, दे रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर कॉपर देन ट्रेडिशनली गैसोलिन व्हीकल्स। जो हम लोग गैसोलिन व्हीकल, जो पेट्रोल और डीजल या सीएनजी से हमारी कार्स चलती हैं, हाँ, उनके कंपैरिजन में जो अब व्हीकल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें बहुत ज्यादा कॉपर का यूज होता है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया, चाहे वो उसकी एक्सटेंसिव वायरिंग, मोटर्स, बैटरीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब जगहों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉपर बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकेंड इज योर रिन्यूएबल एनर्जी, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज यूज लार्ज अमाउंट्स ऑफ कॉपर फॉर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपके जितने भी सोलर पैनल्स बन रहे हैं, आपके जितने भी विंड टर्बाइन्स हैं या और रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स हैं, इन सब में कॉपर का बहुत ज्यादा यूज है। तो क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इसलिए डिमांड ऑफ कॉपर भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमें इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे और उन इक्विपमेंट्स में कॉपर का यूज होगा, तो कॉपर की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। टू सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मेनी कंट्रीज आर अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग द इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, एंड कॉपर इज क्रिटिकल फॉर वायरिंग, ट्रांसफॉर्मर्स, अदर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो
रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने ग्रिड का एक्सपेंशन कर रही हैं, और ग्रिड का एक्सपेंशन करेंगी, अपने ट्रांसफॉर्मर्स बढ़ाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा यूसेज करेंगी, वायर्स का ज़्यादा यूज होगा। तो कॉपर इज द वन ऑफ द मोस्ट कंडक्टिंग मेटल, तो आपको कॉपर का और ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, इसलिए उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सी गाइस, अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज द ग्लोबल फिनोमेना। ठीक है, हर कंट्री दुनिया की अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और इसमें कॉपर का बहुत ज्यादा यूज आएगा। क्यों? क्योंकि सी रैपिड अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इज ड्राइविंग डिमांड फॉर कॉपर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, प्लम्बिंग में कॉपर का बहुत यूज है। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है डेवलपिंग नेशंस में, तो इनमें कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। Governments around the world are also investing in large-scale in infrastructure projects which require copper for transportation networks, water system and buildings, जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, 5G networks, as you are aware that now world is transitioning towards 5G networks. और जब आप 5G नेटवर्क की तरफ जाएंगे तो उसका इंफ्रा डेवलप करने के लिए अगेन आपको रेड मेटल की रिक्वायरमेंट होगी, आपको फिर से कॉपर की बहुत ज्यादा नीड होगी। सो द रोल आउट ऑफ 5G नेटवर्क रिक्वायर्स न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉपर इंटेंसिव एंटीनास एंड केबल्स। तो कॉपर इंटेंसिव एंटीना और केबल चाहिए इसके लिए। डेटा सेंटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन, डेटा सेंटर्स में अगेन कॉपर का बहुत यूज है। द ग्रोथ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज, स्मार्ट डिवाइसेस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज्ड यूज ऑफ कॉपर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स एंड वायरिंग। डेटा सेंटर बनाना हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने हो, इनकी वायरिंग करने के लिए आपको कॉपर की नीड पड़ेगी, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, आप और डेटा सेंटर बनाएंगे, आप और इक्विपमेंट्स बनाएंगे, सब में आप कॉपर को यूज करेंगे। ओके, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स। अब देखिए, इसके साथ कुछ सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट आते हैं जो कि फिर से डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। हमें मालूम है सिंपल प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस अब सर जा जाएगा। ठीक है ना, देखिए, लिमिटेड माइनिंग एंड प्रोडक्शन। कॉपर माइनिंग इज जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू कंट्रीज सच एज चिली, दिस इज द लार्जेस्ट, चिली प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट, या इसको अलग तरीके से बोल लीजिए कि इन चिली लार्जेस्ट माइनिंग ऑफ कॉपर इज डन, नियरली 22% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई ऑफ कॉपर इज डन बाय चिली। ओके, पेरू, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, लेबर स्ट्राइक्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, डिक्लाइनिंग ओर ग्रेड्स कैन लिमिट सप्लाई क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन डिमांड एंड अवेलेबिलिटी। तो जो कॉपर की सप्लाई है वो कुछ ही कंट्रीज में, देर आर 11 और 12 कंट्रीज जहां पे ये कॉन्स्ट्रेंड है, जहां पे ये कर्टेल्ड है। और दूसरी बात ये है कि कॉपर जिन जगहों पे पाया जा रहा है वो ज्योग्राफिकल टफ लोकेशंस हैं, हाई माउंटेन्स हैं, ड्राई डेजर्ट्स हैं, इन जगहों पे आपको ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगा, इन जगहों पे आपको कैपिटल नहीं मिलेगा, इन जगहों पे आपको सारी चीजें A to Z से करनी पड़ेंगी, यू हैव टू प्रोसीड फ्रॉम A to Z, जिसकी वजह से इन जगहों पे माइनिंग करना इज टफ, दीज प्लेसेस आर नॉट दैट डेवलप्ड, तो यहां पे पूरा इंफ्रा सेटअप करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? प्लस कुछ ही जगहों पे ये पाया भी जा रहा है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो गई। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग लिमिटेशंस। ऑल्दो कॉपर इज हाईली रिसाइकलेबल, द सप्लाई फ्रॉम रिसाइकलिंग इजंट सफिशियंट
to meet growing demand, especially as consumption in new industries like renewable energy rises. जी हाँ, कॉपर बहुत ज्यादा रिसाइकलेबल है, आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं इजिली, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रिसाइकल करके भी हमें जितना कॉपर मिल रहा है वो मीट नहीं कर पा रहा है जो डिमांड है कॉपर की उसको. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. Then commodity prices and investment. As copper is essential for many industries, it is also seen as a valuable commodity by investors. Rising prices can further stimulate demand as companies stockpile or invest in copper futures to hedge against supply shortages. इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड इंक्रीज कर रही है, क्योंकि कॉपर के इतने मल्टीपल यूज हैं और फ्यूचर यूज इतने ज़्यादा हैं, इसलिए कंपनीज क्या कर रही हैं, कॉपर में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ह्यूज पाइल्स ऑफ कॉपर को अपने पास स्टोर कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी डिमांड को फर्दर एक फ्यूल मिल रहा है और प्राइस भी स्काई रॉकेट हो रही हैं. ओके, दिस combination of factors, particularly the global push for sustainability and electrification, is driving surge in copper demand. तो जो मैंने आपके साथ factors discuss किए और जो global requirement है आपको एक alternate source of energy में shift होने की, इन सब की वजह से copper की demand rise कर रही है. So I hope guys आपको topic समझ में आया होगा. Please comment section में कोई और रीसेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का जिस पे आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा. ओके, थैंक यू.